अब देखो इसके एक दो मोती निकले हुए थे ऑलरेडी, वो तो मैंने लगाए हैं, बट अगर इसको पहनने जाओ ऐसे तो इसके मोती ऐसे निकल रहे हैं, अलग से झड़ रहे हैं इसके मोती। देखो पूरी तो ज्वेलरी है पूरी ऐसी खराब हो जाएगी। हेलो पीपल, वेलकम टू नेक्स्ट स्टाइल्स, और मैं हूँ कनिष्का। सो गाइज, आज फ्लिपकार्ट ज्वेलरी रिव्यू आपके साथ करूंगी। यहाँ पे एक ही ज्वेलरी का रिव्यू करूंगी मैं आपके साथ, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, मुझे कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जिस सेलर से मैंने ली उस सेलर ने कैसी ज्वेलरी दी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बॉक्स में मुझे ज्वेलरी रिसीव हुई है, और ऊपर से ये इस पॉली में रैप होके आई थी, जो फ्लिपकार्ट की पॉली है, और इस तरीके से ये जो ज्वेलरी मेरी आई है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ इसका पैकेज कुछ इस तरीके से है। इसको मैं आपको पहन के इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगी कि कैसी ये इनको कैसे पहन के ये लगती है, कौन से टाइप की ज्वेलरी मैंने ली है। ये बेसिकली कुछ इस तरीके का ज्वेल सेट है जो मैंने लिया था विद मांगटी का। सो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी है और क्या क्या चीज़ें इसकी है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बात बताती हूँ कि ये जो मांगटी का आया है इसमें, इसका जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये जो चीज़ है इसमें, ये जो मोती नीचे की साइड ये लगे हुए हैं, ये सबसे पहले इसका एक ये मोती एक निकला हुआ था जो अलग से बॉक्स में पड़ा हुआ था निकल के, इसको मैंने इसमें अटैच किया है फिर, मतलब निकल के आया था वो। और दूसरी चीज़ जो इसमें ये वाला जो झुमका है इसका, ये इसकी जो ये वाला जो चेन है, इसकी चेन बहुत ही ज़्यादा इसमें उलझ के आई, मतलब इसका जो ये वाला जो हुक है ये इसमें पूरी तरीके से इस तरीके से अंदर की तरफ फंसा था, तो वो मैंने निकाला। चलो वो चीज़ ठीक है, बट स्टिल अगर पैकेजिंग ही ऐसी है तो फिर कैसा इफेक्ट पड़ेगा जो लेने वाले हैं उन लोगों पे जो रिसीव हो रहा है जिनको पार्सल। एज यू कैन सी, ये देखो ये इस तरीके से है, ये पूरा अंदर की तरफ है, और इसका ना बहुत ही ज़्यादा हल्का मेटल है एकदम। ठीक है, हल्का मेटल इज ओके, क्योंकि आप जब पहनते हो तो ऑलरेडी इसमें इतना भारी चीज़ है तो हल्का मेटल चलेगा, क्योंकि आपके इतने हैवी नहीं करते जिससे वो आपके ईयर्स को, बट स्टिल इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि ये अगर आप इसको कहीं पर रख दोगे और गलती से थोड़ा सा भी वेट इसमें पड़ गया तो ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज़ पूरी की पूरी इसकी निकली हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें पता नहीं क्या है ऐसी चीज़, एज यू कैन सी ये पूरा काला काला कर रहा है, अगर आप इसको कान पहन भी रहे हो स्टिल ये काला काला कर रहा है। इसमें कुछ कुछ तो है, ये ब्लैक सी चीज़ है, और अच्छे से इसकी फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग मुझे इसकी बहुत ही ख़राब लगी। हाँ, डिज़ाइन वाइज अगर देखें तो डिज़ाइन इसका बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है मांगटी के का भी और ईयरिंग्स का भी, बट इसकी फिनिशिंग में कुछ खराबी है, फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं आई है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे चुभने वाली चीज़ भी है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे इसके जो ये हुक्स है ये भी मुझे थोड़े ठीक नहीं लगे हैं। ऑल्दो अगर आप इसको पूरा पहनते हो तो पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एज आई टोल्ड कि मुझे डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा लगा, डिज़ाइन देख के मैंने मंगाया था, बट आई थिंक मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका इसकी फिनिशिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 300 की ये ज्वेलरी है और अलग से इसमें आपको शिपिंग चार्ज लग जाता है, तो उसके बाद भी इतनी मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें अच्छी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ही अच्छी। सो गाइस, एज यू कैन सी कुछ इस तरीके के लगते हैं ये पहनने के बाद, कुछ इस तरीके का स्टाइल ये आता है चेन के साथ, ऐसा लुक आता है पहन के। स्टिल मुझे डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे इसका ये डिज़ाइन और ये चेन लुक बहुत ही प्यारा लगा, बट बहुत इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। देखो ये कितना टेढ़ा होकर ऐसे झुक रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। सो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, लेकिन गाइस अगेन इसकी क्वालिटी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, दूसरी चीज़ एक जो नोटिसेबल चीज़ मुझे लगी, पता नहीं कुछ लोगों के लिए मैटर करती है या नहीं, बट ऐसा मुझे लगा कि इसका जो स्टॉपर है ना, ये स्टॉपर्स कम से कम अगर हमने ये हैवी ज्वेलरी बाय की है तो 2-3-4 स्टॉपर्स एक्स्ट्रा दे सकते थे, बट उन्होंने ये नॉर्मली जो प्लास्टिक के स्टॉपर्स होते हैं ये रखे हैं, रेदर देन आप स्टील का जो आते हैं वो स्टॉपर्स वो रख सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये लग रहा है और हैवी है, इसके हैवी वेट के कारण ये पूरा ऐसे फिसल जा रहा है, जो कान से निकल जा रही है ये ज्वेलरी,
मेरे साथ दो बार ऐसा हो गया, तो एटलीस्ट इस टॉपर अच्छे होते और हैं तो कम से कम 3-4 तो दे ही सकते थे। ये मुझे नोटिसेबल चीज लगी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सो आई होप आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर लेना है तो आप परचेस कर सकते हो, बट मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया जैसा कि मुझे इसके साथ लगा। मैंने कोई जैसी मुझे लगी मैंने वैसा आपको बताया है, अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ क्या है। इसका डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला, वैसा नहीं कि डिज़ाइन की वजह से मैं पूरी बोलूँ कि रही बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी। जो मुझे पॉइंट जिसके खराब लगे वो मैंने आपके साथ बोली। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गेट टू लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, सो दैट जितने भी मैं पोस्ट करूँगी वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। टिल देन स्टे होम।